अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये रहे आपके गरम गरम समोसे, आपकी रेसिपी से ही बनाकर दिया है मैंने, अब शिकायत मत कीजिएगा। अच्छा है ना, अच्छे से खाओ। दीदी कैसी हो तुम और आपके घुटने कैसे? लहसुन का तेल बनाकर दिया था, वो लगाती हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं तो रोज लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, आप कुछ खा के जाइए, हाँ बैठिए। वाह वाह वाह, इसीलिए तुमको दुकान पर बुलाती नहीं हूँ मैं। काम क्यों कर रही हो, चुपचाप बैठा नहीं जाता है क्या? छोड़ो छोड़ो, अभी के अभी मैं सब संभाल लूंगी माँ, तुम बैठो। अच्छा बाबा ठीक है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। मैं आपका खाना लाती हूँ, हाँ ये लीजिए, अच्छे से खाइएगा। हाँ क्या हुआ, बच्चे को भूख लगी है, आप आगे क्यों नहीं आ रही हो? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो बच्चा भूखा रहेगा, उससे पैसे आ जाएंगे क्या? आप आओ आओ, बैठो आराम से बैठो, आप भी खाओ और बच्चे को भी खिलाओ, पेट भरेगा तभी तो कल आप पैसे कमा पाएंगे, है ना? रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, चलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अपना काम छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, और अगर जबरदस्ती की तो स्पेशल सेल वालों को फिर बुला लूंगी कल की तरह। जी इंस्पेक्टर साहब, वानी के बारे में कुछ पता चला आपको? जी, वानी हमारी मदद करने से इनकार कर रही है, फिर से वुमन सेल में कंप्लेन करने की धमकी दे रही है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने से मना कर रही है। आप चिंता मत करिए, आ रहे हैं। जी ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ, आप कल से जो जो कह रहे हो मैं वही कर रही हूँ। मैंने बस अभी इतना कहा कि मैं अपनी दुकान का समय बर्बाद नहीं करूंगी, आप लोग की मदद करूंगी, पर 4 बजे के बाद वो औरत को पहचानने में भी आपकी मदद करूंगी। आपने ध्रुव जी को इतना गलत गलत क्यों कहा? तो अब तुम हमें बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? हाँ क्यों नहीं बताएंगे, आप गलत करोगे तो हम बोलेंगे ही ना, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेजुबान हैं और आपका कोई भी अत्याचार सहेंगे। चल बेटा, एक मिनट दिखा दी ना अपनी असलियत तुम्हें, कल तो बहुत महान बन रही थी, इंसानियत की बात कर रही थी, महानता की बात कर रही थी, कहां गई तुम्हारी महानता और कहां गई तुम्हारी इंसानियत? एक बात याद रखना कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बीवी की जान खतरे में है, और अगर हमारी बीवी को कुछ हुआ ना तो वाणी तुम्हारी कसम खाकर कह रहे कि तुम्हारी जान ले लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे बेटा हमारी बात तो सुनिए। आंटी जी प्लीज, हम आपसे बात नहीं कर रहे, आप बीच में नहीं पड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लीज साइड पे जाके बैठ जाइए। बस बहुत बकवास कर ली तुमने, कल से मीठा मीठा बोल रही हूँ पर हरी मिर्च से भी तीखी है वानी, मुझे काटोगे तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। परेशान हूँ इसीलिए शराफत दिखा रही हूँ, पर तुम तो मेरा ही फायदा उठाए जा रहे हो, कल से ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं अपराधी हूँ। नहीं हूँ मैं अपराधी, मैं नती लड़की हूँ, वो क्या है ना, देवी माँ ने अच्छाई वाला मसाला कुछ ज्यादा ही भर दिया है मेरे अंदर, इसीलिए दूसरों की मुसीबत देखी नहीं जाती है। पूछ लो इन सब से, मेरी मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाते हैं सब, सबकी मदद करने के चक्कर में
मैं अपनी जिम्मेदारी तो नहीं भूल सकती हूँ ना। देखो जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे घर परिवार है, मेरे लिए भी मेरी माँ है। माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए मुझे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा था कि मैं दुकान को बढ़ा के तुम्हारी मदद करूंगी, पर अभी नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी बोनी का समय है। देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी जैसी जरूरी है, मेरे लिए भी मेरी माँ जरूरी है। मैं करूंगी तुम्हारी मदद आज ही, लेकिन 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद तो ठीक है, हम यहीं बैठे 4 बजे तक। रोजी आपको यहाँ बैठकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, हम देख लेंगे ये सब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम 4 बजे तक यहीं बैठेंगे इसके सामने, आप जाके अपनी छानबीन कीजिए प्लीज। आप अच्छे से जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि थाने हमारे लिए कितने मायने रखती है, और ये लड़की इस केस में अहम है। जब तक हमारी पत्नी हमें मिल नहीं जाती ना, इस लड़की को हमारी नजरों से दूर जाने नहीं देंगे। आप लेकर आई है हमें, तुम्हारी फिल्म बनाने आए हैं हम यहाँ। अनजान नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो ध्रुव जी, हनी 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 कहां तुम? ए हमारी बीबी को कहां छुपा के रखा तुमने? कहां तुम लोग, चाहिए क्या तुम्हें हमसे? हेलो हेलो तुम चिंता मत करो, हमारे हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं, इनकी मदद तो फौरन करनी पड़ेगी। हम निकल चुके यहां से, हम निकल चुके, बस तुम्हारे पास पहुंचे जल्दी।